राशि वालों, आज मैं आपको ऐसी जानकारी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप न केवल प्रसन्न होंगे किंतु खुशी से झूमे उठेंगे। जी हाँ, 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है, क्योंकि 16 जुलाई से सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। दोस्तों, जून महीने में मैंने भविष्यवाणी की थी कि शनि ग्रह के वक्री होने से कोरोना वायरस का असर कम होता जाएगा। देश विदेश में वायुयान की दुर्घटना, विस्फोट की घटनाएं घटित होगी तो भारत में भूकंप के झटके भी महसूस होंगे और यह भविष्यवाणी सच भी होती नजर आ रही है। दोस्तों, आज एक और बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ, क्योंकि जुलाई महीने में धनु राशि में बड़ी हलचल होने जा रही है। 7 जुलाई को बुध का गोचर हो चुका है तो मकर राशि में शनिदेव के वक्री होने के बाद 20 जून से गुरु ग्रह भी वक्री हो गए हैं, जहां इन स्थितियों के चलते देश के कई भागों में तेज बारिश होगी तो इस समय नए इकोनॉमिक प्लान, कोविड का असर कम होने के चलते कारोबार वापस पटरी पर लौटता नजर आएगा और जिंदगी सामान्य होती चली जाएगी तो भारी बारिश के कारण जान माल का नुकसान भी होगा। किंतु धनु राशि वालों, सबसे बड़ा असर आपकी राशि पर होने जा रहा है, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्यदेव 16 जुलाई को बुध के स्वामित्व वाली राशि मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, 16 जुलाई को शाम 4:40 पर सूर्य का कर्क राशि में गोचर होगा और ये गोचर महत्वपूर्ण इसलिए होने जा रहा है क्योंकि इस दिन कुमार योग, दग्ध योग और राजयोग का भी निर्माण हो रहा है और उसी दिन से कर्क संक्रांति का भी आरंभ हो जाएगा। धनु राशि वालों, सूर्य मंडल के राजा सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में भाग्य भाव के लोड होकर आकस्मिक धन भाव में स्थित है तो उनकी पूर्ण दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच क्या बदलाव होने जा रहे हैं, क्या आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है, सूर्य का गोचर कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। धनु राशि वालों, सूर्य का गोचर आपके अष्टम भवन में हो रहा है। अष्टम भवन यानी कि आयुष्य का भवन, जीवन का भवन, मृत्यु का भवन, विदेश यात्रा का भवन, परिवर्तन एवं दुर्घटना का भवन के साथ साथ आकस्मिक धन लाभ का भवन माना जाता है, तो वही इस भवन से ही मन स्थिति का अंदाज भी लगाया जा सकता है। यानी कि 16 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच आप बहुत भाग्यशाली रहेंगे, जहां एक ओर आपके घर में सुखद वातावरण बनेगा, माता एवं पिता के स्वास्थ्य से जुड़ी सकारात्मक चीजें उभर कर सामने आएगी, तो दूसरी ओर इस समय सूर्य के ही चलते आप में करिश्माय बदलाव होगा जो आपकी करियर, व्यवसाय और नौकरी में लाभ के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। इस दौरान आपकी वैचारिक क्षमता का विकास होगा, आपकी मनस्थिति बदलेगी, जिसके ही कारण आप न केवल आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे किंतु आप प्रतिस्पर्धियों को भी मात दे पाएंगे। जी हाँ, शत्रु व प्रतिद्वंदी आपसे जीतने में अक्षम रहेंगे। जी हाँ, आपकी नई पहचान बनेगी। धनु राशि वालों, सूर्य का अष्टम भवन में आपको धनी, धैर्यवान, कार्य के द्वारा सफलता, राज्य से सम्मान, विद्वान एवं व्यवहार कुशल तो बनाता है, साथ में वह अनायास संपत्ति, बड़े संस्थानों में पद के साथ राजनीति में अव्वल जगह पर ले जाता है। जी हाँ, इस दौरान आपको बड़े पद पर स्थित होकर कार्य करने का मौका मिलेगा, आपके हाथों से कई लोगों को सेवा करने का अवसर मिलेगा, चाहे राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में स्थित होकर किसी पद पर विराजमान होकर मौका मिले, या फिर उच्च संस्था में बड़े उद्यम में आपको किसी बड़े पद पर स्थित होकर अवसर मिलेगा। जी हाँ, यकीनन 17 जुलाई के बाद आर्थिक पक्ष के लिहाज से मजबूती हासिल होगी तो वही छोटे मोटे बदलाव को लाभ प्रदान करेंगे। यहाँ तक स्वतंत्र होने की चाहत भी पूर्ण होगी, भूमि, घर या वाहन भी खरीदी या निवेश भी कर सकेंगे, पुरानी प्रॉपर्टी बिकने के कारण या फिर पिता की संपत्ति में अधिकार हासिल होने के भी पूर्ण योग बन रहे है। दोस्तों, आपके राशि के स्वामी गुरु ग्रह है, इस समय सूर्य के इस परिवर्तन का प्रभाव आपको पारिवारिक जीवन में बेहद सुखद रहेगा, पति पत्नी के बीच में चल रहे तनाव को दूर करेगा तो आपकी कुशल नेतृत्व की वजह से ही व्यवसाय में डबल मुनाफा मिलेगा। जी हाँ, व्यापार की रफ्तार बढ़ेगी, चीजों की मांग बढ़ने से और चीजों की खपत होने से निश्चित तौर पर आपके कार्य गति पकड़ेंगे, खासकर वह बड़े उद्यमी जो कर्ज के तले दबे चुके हैं या फिर व्यापार में साहस के चलते पैसा रुक गया है, उनको भी लाभ मिलेगा, जबकि नौकरी पेशा जातकों को इस दौरान सैलरी में इंक्रीमेंट की बड़ी संभावना बनेगी। इस दौरान न केवल आपकी आय में बढ़ोतरी होगी किंतु आपको कोई पद या फिर बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, जहां उच्च अधिकारियों के सहयोग से ही आप महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करेंगे, खासकर व्यवसाय एवं कार्य से संबंधित यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। दोस्तों, सूर्य ग्रह न केवल मान सम्मान, राजा, पिता, चिकित्सा, विज्ञान, बिजली एवं धन का कारक माना जाता है किंतु वह राज्य से लाभ प्रदान करता है, नौकरी का कारक माना जाता है। इसके ही कारण इस समय जो विद्यार्थी जातक प्रतिस्पर्धा में विजय हासिल करना चाहते हैं उनकी मुराद पूर्ण होगी। इसके साथ साथ आपके द्वारा जोखिम उठाकर किए गए निवेश का भी इस समय लाभ मिलेगा। यदि आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर पाएंगे, नौकरी में बदलाव करना चाहते तो इच्छा पूर्ण होगी। जहां पुत्र के कारण परिवार में खुशी का माहौल रहेगा तो वही जीवन साथी और बच्चों के साथ अच्छा समय स्पेंड करेंगे।
इस दौरान सूर्य आपकी धार्मिक भक्ति को बढ़ाएगा, प्रेम जीवन में भी कलह दूर करेगा। धनु राशि वालों, में कई बार कह चुका हूँ कि कुंडली में ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्ति को जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, और कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करवाएं, क्योंकि ग्रहों के दुष्प्रभाव को समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है और उनका रास्ता भी निकलता है। जय गुरुदास।